7 अक्टूबर 2023 को क्या आपने बुरी खबर सुनी? इजराइल ने घोषणा की कि देश युद्ध में है। आश्चर्यजनक, रूस यूक्रेन पहले से ही युद्ध की स्थिति में है, अब इजराइल। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? कुछ भी स्पष्ट नहीं है, ये खतरनाक है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में एक शुभ दिन था। यह उनका सिमचत तोरा नामक त्योहार था, जिसके दौरान यहूदी पवित्र ग्रंथ तोरा पढ़ते हैं। चित्र पर एक नजर डालिए। अगर हमारे त्योहारों जैसे दिवाली, ईद या क्रिसमस के दिन कोई हमला हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? आपको बुरा लगेगा, है ना? उनके पर्व के दिन इसराइल पर हमला हुआ। ये इसराइल बनाम फिलिस्तीन है। ये असल में इसराइल बनाम फिलिस्तीन का उग्रवादी समूह है, जिसे हमास कहा जाता है। 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर 5,000 रॉकेट फेंक कर सबसे घातक हमला किया। क्या हमास ने इसराइल पर 5,000 रॉकेट दागे? इसराइल की आयरन डोम रक्षा प्रणाली ने अधिकांश रॉकेटों को हवा में ही रोक दिया। ISH न्यूज ने पहले इसराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई के बारे में वीडियो जारी किया था, आप यहां वीडियो देख सकते हैं। अब 7 अक्टूबर को इसराइल ने युद्ध की स्थिति की घोषणा की है। ये स्थिति अस्थिर है। हालांकि इसराइल की रक्षा प्रणाली ने अधिकांश रॉकेटों को रोक दिया, लेकिन कई ने जमीन और इमारतों पर हमला किया। हमले में हजारों लोग घायल हुए, कुछ को बचा लिया गया और कई मारे गए। इसी तरह इसराइल के जवाबी हमले में भी काफी संख्या में फिलिस्तीनियों को नुकसान उठाना पड़ा। भयानक वीडियो वायरल हो रहे हैं। इजरायली सेना की एक महिला को हमास के आतंकवादियों ने पकड़ लिया, गोली मार दी और कार में शहर के चारों ओर नग्न घुमाया। कितना भयानक दृश्य था। उन्होंने इजरायलियों को पीड़ा देने की कसम खाई है। ये हमला 50 साल पहले 6 अक्टूबर 1973 को हुए युद्ध की याद दिलाता है। उस वक्त मिस्र और सीरिया ने दो तरफ से इजराइल पर हमला बोल दिया था। दोनों अरब देशों ने इजराइल द्वारा छीने गए क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के प्रयास में हमला किया था। अंत में अमेरिका की मदद से इसराइल की जीत हुई। क्या अमेरिका ने सच में समर्थन किया था? अमेरिका और USSR, जो अब रूस है, हमेशा एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं। इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए अरब देशों, मिस्र और सीरिया को सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त था। इस शक्ति को संतुलित करने के लिए अमेरिका ने इसराइल का समर्थन किया। अरब देशों को समझ आ गया कि अगर इसराइल को अमेरिका का समर्थन ना मिले तो इसराइल को हराना संभव है। मिस्र और सीरिया का लक्ष्य इसराइल को पूरी तरह से मिटा देना और भूमि पर दावा कर लेना था। हालांकि अमेरिका की मदद से इसराइल विजयी हुआ और मिस्र और सीरिया से लगी अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम रहा। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच पिछले 75 सालों से संघर्ष जारी है। मैं आपको कारण बताता हूं। फिलिस्तीन का कहना है कि इसराइल ने उनकी लगभग सारी जमीन पर कब्जा कर लिया है।
1946 से पहले संपूर्ण भूमि फिलिस्तीन की थी। इसराइल ने उनकी सारी जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उन तस्वीरों को देखिए जो दिखाती है कि पिछले कुछ वर्षों में अधिभोग कैसे बदल रहा था। इसराइल ने पूरी जमीन पर कब्जा कर लिया और केवल वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी ही फिलिस्तीन के लिए छोड़ दी गई। इस संघर्ष ने कई उग्रवादी संगठनों को जन्म दिया जो इसराइल के खिलाफ लड़ते हैं। हमास की शुरुआत साल 1987 में इसराइल से फिलिस्तीन का हिस्सा वापस लेने के मकसद से हुई थी। 2007 से गाजा पट्टी पर हमास का नियंत्रण है। न केवल इसराइल बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ जैसे अन्य देशों ने भी इसे आतंकवादी समूह घोषित कर दिया है। क्या जमीन सचमुच फिलिस्तीन की है या इसराइल की? मूल निवासी कौन थे? कुछ भी स्पष्ट नहीं है। इसलिए इतने सालों से संघर्ष चल रहा है। हमास का लक्ष्य इसराइल समेत उनकी जमीन को वापस लेना है और वे उन्हें कुचल कर दुनिया के नक्शे से पूरी तरह से मिटा देना चाहते हैं। तीस वर्षों से वे इसराइल पर हिंसक हमले कर रहे हैं और आधिकारिक आंकड़ों पर पता चलता है कि उन्होंने देश पर 87 बार हमला किया है। आश्चर्यजनक। अब हमास के नेता मोहम्मद दीफ ने सात अक्टूबर 2023 के हमले को अल अक्सा स्टॉर्म घोषित किया है। हमास ने रॉकेट दागे और जमीन और समुद्र के रास्ते लड़ाकों की एक लहर भेजी जिन्होंने हजारों नागरिकों को मार डाला। मैं आपको बताता हूं कि अल अक्सा स्टॉर्म क्या है। आप जानते हैं कि जेरूसलम ईसा मसीह का जन्मस्थल के पास एक पवित्र स्थान है। उस मैप को देखिए जिसमें इसराइल, फिलिस्तीन और गाजा पट्टी है। केंद्र में जेरूसलम है जो तीन धर्मों के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। ये यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों द्वारा पूजनीय स्थान है। जेरूसलम में अल अक्सा मस्जिद है। मैं आपको थोड़ी देर में अल अक्सा स्टॉर्म के बारे में बताऊंगा। आशा है कि नक्शा स्पष्ट है। फिलिस्तीन इसराइल पर अल अक्सा मस्जिद के आसपास काफी हिंसा और फिलिस्तीनियों की हत्या का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इसराइल के अनुसार उन्होंने जिन लोगों को मारा वे नागरिक नहीं बल्कि आतंकवादी थे। फिलिस्तीनियों का दावा है कि जब भी वे मस्जिद में जाते हैं तो उन पर पत्थर फेंके जाते हैं। इसराइल का दावा है कि यह सच्चाई नहीं है। उनके मुताबिक फिलिस्तीनी यहूदियों पर पत्थर फेंकते हैं। और फिर मस्जिद में छिप जाते हैं। इसराइल के हमले दरअसल जवाबी हमले हैं। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। स्थिति हमेशा जटिल रही है और इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि हिंसा किसने शुरू की। फिलिस्तीन बहुत गुस्से में है और इसलिए उसने इस हमले का नाम अल अक्सा स्टॉर्म रखा है, जिसे साबित होता है कि ये हमला बहुत ही खतरनाक होने वाला है। कितनी खतरनाक स्थिति है। अब सवाल ये है कि हमास समूह के पास इतने सारे हथियार कैसे आते हैं? उनका समर्थन कौन कर रहा है?
अमेरिका फिलिस्तीन को उग्रवाद के लिए नहीं बल्कि मानवीय आधार पर शिक्षा, भोजन, विकास आदि के लिए वित्तीय सहायता देता रहता है। हालांकि हो सकता है कि उग्रवादी समूहों द्वारा पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा हो। संभवतः धन का उपयोग हमास समूह द्वारा हथियार खरीदने के लिए किया जाता हो तो मूल पैसा अमेरिका से ही है। अमेरिका को इसकी जानकारी है या नहीं कि उसका पैसा कहां इस्तेमाल हो रहा है, ये पता नहीं है। 7 अक्टूबर की हिंसा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और रॉकेट दिवाली के फटाकों की तरह आसमान को भेद रहे हैं। लेकिन ये एक वास्तविक युद्ध है जो खतरनाक और विनाशकारी है। हमास द्वारा हमला शुरू करने के बाद से दोनों पक्षों के 1100 से अधिक लोग मारे गए हैं। इनमें से अधिक इजरायली नागरिक हैं। उत्साहित संगीत प्रेमी कई हफ्तों से इजरायल में सुपरनोवा उत्सव का इंतजार कर रहे थे। हमले के बाद लोग अपनों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उत्सव स्थल से 250 से अधिक शव बरामद किए गए। हृदय विराधक। हमास के आतंकियों ने कई इजरायली सैनिकों और नागरिकों को बंधक बना रखा है। हालांकि किसी को नहीं पता कि इन्हें कहां रखा जा रहा है। इजरायल रक्षा बलों ने इसे 9/11 जैसा और सबसे भयानक नरसंहार बताया है। उन्होंने कहा, ये जानवर जैसे आतंकवादी घरों में घुस गए। हम युद्ध पोत और अन्य तोपखाने लाए हैं। हमास को उसके दुखद अंत तक नष्ट करने के लिए हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। इसराइल ने हमास के ठिकानों के पास रहने वाले फिलिस्तीनियों को वहां से चले जाने की चेतावनी दी है, क्योंकि उन्होंने उसके ठिकानों को मलबे में बदलने की कसम खाई है। उन्होंने कहा, ये हमास आतंकवादी घरों में घुस गए, पूरे परिवार को एक कमरे में इकट्ठा किया और उन्हें गोली मार दी, जैसे कि वे कीड़े मार रहे हो। बुजुर्ग यहूदियों को अज्ञात स्थानों पर बंधक बना लिया गया है। इनमें से कई बुजुर्ग नरसंहार से बचे हुए हैं, जिन्होंने अपनी जवानी के दिनों में हिटलर और नाजियों के हमले झेले थे। इन्हें हिंसक तरीके से उनके घरों से खींच लिया गया, बंधक बना लिया गया और बाइक पर अज्ञात स्थानों पर भी ले जाया गया। कोई नहीं जानता कि वे बंधकों के साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं। युद्ध की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और इसका कोई अंत नहीं दिख रहा है। एनडीटीवी के प्रवक्ता इजराइल के अश्कलोन में एक होटल में चेक इन करने वाले थे। तभी अचानक हवाई हमले के सायरन बजने लगे और क्रू अपना सामान छोड़कर आश्रय की ओर भागने लगा। कितना डरावना है। इजराइल के पड़ोसी लेबनान के आतंकवादी समूह हिजबुल्ला ने कहा है कि उसने इजराइल के ठिकानों पर बड़ी संख्या में मिसाइल दागी। ये हमास द्वारा शुरू किए गए हमले के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए था। आश्चर्यजनक, अमेरिका ने इजराइल में
अपने युद्ध पोत और लड़ाकू जेट तैनात किए हैं, जो इसराइल के प्रति उनके अटूट समर्थन का संकेत देते हैं। क्या आपको ये महिला याद है जो साइन कर रही है? याद है ISH न्यूज ने इसराइल की पहली डेफ सांसद के बारे में एक वीडियो जारी किया था? आप उनका वीडियो यहां देख सकते हैं। हमले के बीच घर में छुपे का उनका वीडियो डेफ समुदाय में वायरल हो रहा है। उसने बताया कि वह अपने घर में छिपी हुई है और उनके बच्चे सो रहे हैं। कितनी खतरनाक स्थिति है। जर्मनी, स्वीडन और टर्की से हमले का जश्न मनाने और फिलिस्तीन को आजाद करने की मांग के वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही है। भारत के अलगाववादी गुट खालिस्तान भी इस हमले का जश्न मना रहा है। जैसे खालिस्तानी भारत से अलग देश चाहते हैं, वैसे ही वे इसराइल के खिलाफ फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। अजीब है ना? भारत में भी कुछ हमास समर्थक है। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सैकड़ों छात्रों ने अल्लाहु अकबर के नारे लगाए और हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, फिलिस्तीन को स्वतंत्रता मिले, ये कहते हुए पोस्टर भी लगवाए। जश्न मनाने की घटनाओं की सूचना मिलने के बाद ब्रिटेन में पुलिस ने यहूदी धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। जब हमला हुआ तब बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा हाइफा फिल्म पुरस्कारों में भाग लेने के लिए इजराइल में थी। वो डर गई और अबुधाबी से कनेक्टिंग फ्लाइट के जरिए सुरक्षित भारत पहुंच गई। भारत में उतरने पर उनकी आंखों में आंसू थे। क्या वहां और भारतीय फंसे हुए हैं? हाँ, बहुत सारे भारतीय छात्र, नागरिक और भारतीय यहूदी इसराइल में फंसे हुए हैं। भारत सरकार जल्द ही उन्हें निकालने की कोशिश करेगी। इसराइल, फिलिस्तीन, गाजा पट्टी मध्य पूर्व के देश होने के कारण तेल की कीमतें बढ़ गई है। युद्ध शुरू होते ही तेल की कीमतें बढ़ जाती है। युद्ध के बीच दुनिया भर की प्रमुख एयरलाइंसों ने इसराइल के लिए उड़ानें रद्द कर दी है। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर पर हस्ताक्षर किए गए। यदि युद्ध जारी रहा तो परियोजना को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये मार्ग गाजा पट्टी के पास भूमध्य सागर से होकर गुजरता है। हालांकि अब फ्रांस, जर्मनी, इटली और अन्य की तरह भारत ने भी इन हमलों की निंदा की है और इसराइल के अपने रक्षा के अधिकार का समर्थन किया है। अब हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि युद्ध खत्म होता है या नहीं।